गाजियाबाद के फुपुरा इलाके में तड़के सुबह उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब लकड़ी मार्केट में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पल भर में आसपास की कई दुकानें इसकी जद में आ गईं और लाखों का माल जलकर राख हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से शोले निकल रहे हैं। आग लगने के कारण तकरीबन 1 किलोमीटर तक के इलाके में धुएं का गुबार छा गया। आग लगने के बाद पहले तो स्थानीय लोगों ने ही आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जब मामला काबू से बाहर हुआ तो इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। सूचना के बाद दमकल की तकरीबन 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। 4:15 बजे के आसपास जो है आग लगने की सूचना मिली, जिसपे पहले साहिबाबाद की गाड़ियां आई और आग की विकरालता को देखते हुए जिले की सभी गाड़ियां बुला ली गई और मदद के लिए नोएडा से एयरपोर्ट की भी मदद ली गई है। आग पूरी तरह नियंत्रित की जा चुकी है, थोड़ा जो चीज़ें जल चुकी हैं वो दुलक रही हैं, बस जल्द से जल्द उन्हें भी बुझा दिया जाएगा। कोई जनहानि या कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। आग बुझाने के दौरान एक दमकल कर्मी भी इसकी चपेट में आ गया, जिसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। एक जवान जो है आग बुझाने के दौरान उसके हाथ में शीशा लग गया है, जिसको उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया है प्राथमिक उपचार के लिए। क्या ये अवैध गोदामें बताई जा रही है? नहीं, ये सब बात में जाँच के बाद पता लगेगा। जिस वक्त आग लगी लोग अपने घरों में सो रहे थे। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।